शनिवार को गणतंत्र दिवस नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडल आयुक्त सहारनपुर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी ओमवीर सिंह सहित सभी पुलिसकर्मी और आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शानदार परेड का आयोजन किया गया, जहां परेड में मौजूद झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं इसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रमों के उपरांत पूरे वर्ष बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, पत्रकारों एवं सामाजिक संस्थाओं सहित आम नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। जनपद शामली के झिंझाना थाना इलाके में एक अनोखी शादी हुई है। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव अमेटा रिदनान में 27 वर्षीय दुल्हन की शादी 24 वर्षीय दूल्हे के साथ हुई है। दुल्हन का नाम तरन्नुम है, जिसकी लंबाई 2 फीट 1 इंच व दूल्हे का नाम अब्दुल कलाम बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई 2 फीट है। दूल्हा जनपद मुजफ्फरनगर के गांव छतेला का निवासी है, जबकि दुल्हन शामली जनपद के गांव अमेटा रिदनान की निवासी है। दुल्हन तरन्नुम व दूल्हा अब्दुल कलाम ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। परिजनों के मुताबिक दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ की गई है। हालांकि दोनों की शादी करने में बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी, क्योंकि कोई भी 2 फुट के दूल्हे और दुल्हन की शादी करने के लिए राजी नहीं था। लेकिन एक दिन दुल्हन तरन्नुम के बारे में लड़के वालों को पता चला और दूल्हा अब्दुल कलाम के परिजन रिश्ता लेकर दुल्हन तरन्नुम के घर पहुंचे और आपस में बातचीत तय कर रिश्ता पक्का कर दिया। इस शादी में अहम बात ये रही कि शादी में कोई भी दान दहेज नहीं दिया गया है। दूल्हे के परिजन दुल्हन को शादी के जोड़े में ही अपने साथ ले गए। दोनों की शादी से परिजन व ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। 27 साल जी छतेला, हाँ जी, आन लग रही। हाँ जी, रिश्ता को हो गए 2-3 महीने, नहीं कोई परेशानी नहीं, सब खुशहाल नहीं सब। शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर श्री राम कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडला आयुक्त सहारनपुर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी एवं जिला अधिकारी राजीव शर्मा सहित सभी अधिकारीगण एवं नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा अनेकों प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत कर युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 25 जनवरी नेशनल वोटर डे है, तो आज श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में पूरे जिला मुजफ्फरनगर का जो नेशनल वोटर डे का कार्यक्रम है वो श्री राम कॉलेज में हो रहा है। और इसमें मुजफ्फरनगर के कई कॉलेज भाग ले रहे हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज भी है और इंटर कॉलेज भी है। और हम लोगों का एक ये प्रयास है कि किसी तरीके से हम वोटर्स को जगाएं और उनको ये कोशिश करें कि वो वोट देने के लिए जाएं। और कॉलेज में ये प्रोग्राम इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि डिग्री कॉलेज में जो भविष्य के मतदाता हैं, कुछ बच्चे अभी इसी साल से ऐड हुए हैं और कुछ पहले से भी मतदान कर रहे हैं। अगर उन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि वोट देना कितना कंपलसरी है और कितना ज़रूरी है, तो वो आगे अपनी फैमिली को और अपने मोहल्ले में और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमने एक ये मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा है ताकि लोग मोटिवेट हों और वोट दें। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक अनोखी पहल देखने को मिली है। हरिद्वार में एक तरफ तिरंगा फहराया गया, तो वहीं एक तरफ बाइकर्स लोगों ने बाइक पर सवार होकर लोगों को संदेश देने का काम किया। उन्होंने बताया कि हम बाइकर्स 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं। बाइक रैली भगत सिंह चौक से होते हुए पूरे हरिद्वार शहर में घूमेगी, जो कि जनता को जागरूक करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोग बाइक पर हेलमेट पहने और जरूरी सेफ्टी का ध्यान रखें और सड़कों के नियमों का पालन करें। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज उपस्थित रहे। सतपाल महाराज ने झंडा फहराया और कुछ कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही हरिद्वार के जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजय खंडूरी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्कूल के बच्चों के द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा परेड निकालकर मुख्य अतिथियों को सलामी दी गई। हम देश के लिए राइड करते हैं और अलग अलग जगह घूमने का, जो हमारे साथ जितने भी लड़के हैं उनको अलग अलग जगह घूमने का शौक़ है, वही सब लोग इकट्ठे होते हैं। 15 अगस्त पे ये राइड हम करते हैं समाज में एक मैसेज देने के लिए कि भारत एक है, सब में देश प्रेम का जज्बा है। नेशन फर्स्ट। इसलिए राइड फॉर नेशन।
पंजाब के अभावर में प्रशासन द्वारा स्थानीय नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां एसडीएम पूनम सिंह ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इसके बाद सभी ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। वहीं इस दौरान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं परेड निकाल कर मुख्य अतिथि को सलामी भी दी गई। इस गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं सारे इंडियंस नू पंजाबियों नू बहुत बहुत बधाई देनी है और कामना करती है कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने सानू एक मैसेज दिता जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रटर्निटी का, जिस तरह सानू यूनिटी इन डायवर्सिटी उन्होंने एक खूबसूरत माला के परो दिता, असी सारे उस तरह भावना के नाल भाईचारक सांझ के नाल इस नू बना के रखा। पंजाब के जंडियाला में तरन तरन रोड पर पुलिस पार्टी एएसआई जोगेंद्र सिंह ने नाका लगाया हुआ था, तभी एक सफेद रंग की एंडेवर गाड़ी पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगी, जो बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई, जिसमें से पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान रोबिन सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी रायपुर कला और जोबनप्रीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी नवा पिंड हुई है। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर इनके पास से 180 और 150 नशीली गोलियां बरामद हुई है। एसएचओ जंडियाला गुरु इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि इनके खिलाफ एनडीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इनकी गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। जिस संबंध में बंडाला ठट्ठियां साइड आ रही ठट्ठियां मोड़ के उत्ते जो आए तो एक इन्होंने गड्डी सी सफेद रंग की एंडेवर जिस नौजवान कोई बैठे ही PP08PW3333 नंबर ही रोकया तो इन्ह ने तेज़ भजाई के अगे वाले च बजी जिस इन्हें चैक किया दो बंद जोड़े उतरे आ गोबिंद सिंह पुत्र बलविंदर सिंह मजबी वासी रायपुर कलां ते एक जोबनप्रीत सिंह सुखदेव सिंह मजबी वासी नवा पिंड ते इन्हां जो तलाशी ली आ ते इन्हां को नशीलियां गोलियां एक कोलों 180 मिलियां एक को 150 गोली मिली है ते उन्हां दी जिहड़े असीं परचा दर्ज करके ते तफ्तीश जारी है। किन्ने गिरफ्तारी होई अजे दो बंदियां दी गिरफ्तारी होई ते बाकी बाकी भी करांगे जी। हाँ जी की भज्जे है दो जिहड़े ते फरार हो गए ने ते हाँ जी अजे ते सानूं दो ही मिले जो इन्हां दी पुछगिछ आएगा डिटेल नाल और उन्हां दे खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल की घड़ी इन्हां दोवां दे खिलाफ परचा दर्ज करके गड्डी कब्जे च लै ली गई है ते पुछगिछ जारी है। कि धारावां लाईआं इह इन्हां दे उत्ते अजे ते NDPS एक्ट लाई है जी 21-22-65 NDPS। पिछला बैकग्राउंड की इन्हां दा पिछला बैकग्राउंड जिहड़ा हैगा वा अपने एक जोबनप्रीत सिंह इत्थे कोई परचे हैगे आ उहदी वी तसदीक कर रहे हैं। पंजाब के जंडियाला में ज्योतिसर से पुरानी घास मंडी और जीटी रोड जंडियाला गुरु तक जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। जंडियाला गुरु प्रदीप जैन ज्योतिसर से पुरानी घास मंडी और जीटी रोड जंडियाला गुरु तक जाने वाली सड़क का बुरा हाल बना हुआ है। इस मेन चौक से मंदिर को भी रास्ता जाता है, मगर इस सड़क पर सीवरेज प्रणाली पूरी तरह ठप पड़ी है। नालों का सारा गंदा पानी सड़क के बीचों बीच हर वक्त इकट्ठा रहता है। इसी चौक से कई प्राइवेट स्कूलों को भी रास्ता जाता है, जिससे बच्चों को आने और जाने में काफी परेशानियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों की जब भी बसें इन खड्डों से गुजरती हैं, तो सड़क के बीचों बीच इतने गहरे बड़े गड्ढों में बस फंस जाती है, जिससे स्कूली बच्चों और अन्य राहगीरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, मगर प्रशासन को कभी भी इस ओर ध्यान नहीं आता। काफी लंबे समय तो बंद पे सन साडे सरकार योग MLA सरदार सुखविंदर सिंह जी बैनी जिन्हों की अथाह कोशिश सदका तो काफ़ी उन्होंने इस वाल संवेदगी दिखाते हुए ये जो डिवेलपमेंट के काम आज तो शुरू करवाते हैं। जोड़ा सीवरेज की प्रॉब्लम से भी जोड़ा सीवरेज थोड़ा अजे प्यार तो बाकी पैन वाला से जिस कारण सड़क के ब्लॉकेज लगती सी तो ब्लॉकेज नाल सड़क टुट रही हैं तो राहगीर भी मुश्किल आती सी, खास करके जी ज्योतिसर रोड पर मास्टर मंगल सिंह वाली रोड या शहीद ऊधम सिंह चौंक, क्योंकि शहीद ऊधम सिंह चौंक के ब्लॉकेज सी पाइप अगों जुड़े नहीं से। अज MLA साहब की अथाह कोशिश सदका सीवरेज बोर्ड की सारी टीम अज इतने हाजिर है, उन्होंने MLA साहब की दिशा निर्देश हेठ सानू भी ये हुक्म होया कि तुम मौके पर जाके शुरू कराओ। असं सारे ही उत्थे आ गए पाइप वाली जो पाइप पैन वाले से जुड़न वाला से सीवरेज अज तो काम शुरू हो गया तो मोस्ट प्रॉब्लमली मैं क्या लाइकली 15-20 दिन के सारे शहर का सीवरेज चंगी तरह चल पेगा, जड़िया ब्लॉकेज वा सारिया खत्म हो जाएगियां तो जिड़ी डिवेलपमेंट की रफ्तार वो है चंकी पद्धर से शहर जंडियाला गुरु की MLA साहब की दिशा निर्देश हेठ करवाई जाएगी।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੰਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜਾਗਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹੋਗੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਪੀ ਰੋਡ 'ਤੇ 20-22 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਵੈਨਸ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵਾ ਸੜਕ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਨਸ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋ ਇਨ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਸੜਕੇ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਆ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੀਲਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी देहात के सेठपुरा के मदरलैंड पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ध्वजारोहण किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अनिल कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक मोहम्मद इस्तकार, प्रिंसिपल धर्मेश कुमार यादव, सभा के पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान, बसपा नेता आजाद फरीदी, मुर्तजा हैदर आदि लोग मौजूद रहे। जहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वहीं बच्चों के द्वारा कई तरह के संदेश दिए गए जिसमें सांप्रदायिकता पहला उद्देश्य रहा। वहीं कस्बा पुरकाजी में बसपा नगर अध्यक्ष आजाद हसन के कार्यालय पर बसपा के जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया ने भी ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी के सूली वाले बाग को शहीद स्थल का दर्जा दिलवाने हेतु शनिवार को नगर चेयरमैन जहीर फारूकी की अगुवाई में हजारों लोग सड़कों पर आ गए, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सूली वाले बाग पर ध्वजारोहण कर जिला प्रशासन को चेताया कि अगर 1857 में सूली पर चढ़ाए गए लगभग 500 देशभक्तों को सम्मान नहीं मिलता तो वह लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर हाईवे जाम कर देंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत लेखपाल को पैमाइश के लिए भेज दिया। 26 जनवरी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी के आह्वान पर 51 लोग सूली वाले बाग पर गले में रस्सा डालकर फंदे पर लटकने के लिए तैयार थे, जबकि सूली वाले बाग पर 4 सूली भी तैयार की गई थी जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के लोग गले में फंदा डालकर खड़े हुए थे, जिसके बाद चेयरमैन ने समर्थकों सहित लगभग 500 लोगों ने थाना पुलिस को गिरफ्तारी दी। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर के प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 में मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कस्बे व आसपास के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मतदाताओं को अपने मत का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया जिसमें पटवारी राजीव लोचन ने सभी को दिशा निर्देश दिए और मतदाता की जानकारी दी। आज राष्ट्र से मतदाता दिवस है और इसमें सभी बच्चों सहित एक शपथ जो है हमने आज दिलाई है जिसमें सभी को ये करना है कि कोई भी जाति या कोई भी किसी से भी कोई लोभ या कोई किसी वजह से कोई वोट न छूटे, वोट बनानी है सभी की और कोई भी किसी तरह से कोई लोभ दे या किस तरह से फालतू वोट बने कोई नहीं बनेगी, बिल्कुल एक्यूरेट काम होगा। ये शपथ आज ही है और किसकी जगह दिलाई आपने शपथ है आज?
ये सभी स्कूलों में जो है आज सुबह दिलाई गई है और बूथ सेंटरों में जो हमारे बूथ सेंटर हैं सभी बूथ सेंटरों में ये आज सब सुबह दिलाई गई। लगभग कितने सेंटर होंगे और कितने बूथ होंगे? 12 बूथ हैं हमारे, वैसे टोटल जो है 39 बूथ हैं पूरे मीरापुर सब मिला करके। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें इंस्पेक्टर मीरापुर कुशल पाल सिंह ने सभी पुलिस कर्मियों को व समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई और ध्वजारोहण किया। वहीं मीरापुर थाने के एसएसआई जितेंद्र यादव ने सभी पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर दी। मीरापुर थाने में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कस्बा मीरापुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व मीरापुर विधानसभा के प्रभारी हाजी लियाकत प्रधान ने भोकरहेड़ी व सीकरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर आजादी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। वह क्षेत्र की जनता को इस पर्व पर पूर्वजों द्वारा बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई जाने और हमें यह पर्व मनाने का मौका मिला, इस बारीकी से छात्रों नौजवानों व क्षेत्र की जनता को समझाया गया और पूर्वजों के बलिदान को याद किया गया। भोकरहेड़ी में ध्वजारोहण हाजी लियाकत प्रधान ने किया। इस दौरान सपा नगर अध्यक्ष मुमताज आबिद, जाहिद मलिक, गुलफाम आदि मौजूद रहे। वहीं सीकरी में ध्वजारोहण में मंजर भाई, डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर जफर, आसिफ, यूसुफ, अफसर अली आदि लोग मौजूद रहे। जहां एक तरफ आजादी का जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया गया, वहीं अपनी कार्यशैली के लिए परिचित हाजी लियाकत की विधानसभा क्षेत्र में हुए आकस्मिक निधन पर उनके परिवार वालों से मिलकर उनका हाल जाना और उनके परिवार के लोगों को सांत्वना दी और लोगों से मिले और बच्चों को गणतंत्र दिवस पे समझाया उन्हें और उनसे मुलाकात करी। स्कूलों में प्रोग्राम थे, सीकरी, भोकरहेड़ी, सिकंदरपुर, मीरापुर कस्बे में, दरबार में और मुश्तरक में। आज के दिन की लोगों को जो हमारा ये तवारीख है पुरानी ये बतलाई सब इसके बारे में विस्तार से समझाया। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे मीरापुर विधानसभा के प्रभारी और पूर्व प्रत्याशी रहे हाजी लियाकत कुरैशी साहब और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई जगह ध्वजारोहण किया, सीकरी, भोकरहेड़ी, सिकंदरपुर और प्रोग्रामों में बच्चों को विस्तार से बताया कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने देश में बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया है, उन्हें विस्तार से बताया गया। उसके बाद हाजी लियाकत प्रधान जी कार्यकर्ताओं के साथ मीरापुर क्षेत्र में जो घटनाएं हुई हैं, जो लोग सामाजिक लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, एक हफ्ते के अंदर जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं उनके परिवार वाले से जाकर मिले, उन्होंने सांत्वना दी और उन्हें दिलासा दिलाया और इसी तरह से आज पूरा दिन इसी तरह के कार्यक्रमों में रहा और हमारे हाजी लियाकत कुरैशी साहब लोगों से मिलकर आने वाले आम चुनाव में लोगों को बता रहे हैं और गठबंधन की बधाई देते हुए गठबंधन को ही जिताने का संकल्प लेकर जनता के बीच है। आने वाले चुनाव में गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगा। मीरापुर कस्बे के न्यू हेल्थ क्लब में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां क्लब के कोच पुनीत भारद्वाज के द्वारा झंडारोहण किया गया। वहीं इस दौरान सभी युवा लोग मौजूद रहे, जहां युवाओं ने देशभक्ति का संदेश दिया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अपील की। देहरादून के सेलाकोई नगर क्षेत्र के अंतर्गत जमनपुर निवासी 14 वर्षीय आसिफ का उत्तराखंड बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके चलते उसके परिजनों को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर उद्योग व्यापार मंडल समिति सेलाकोई के अध्यक्ष चैतन्य अनिल गोड व सभी व्यापारियों ने बधाइयां दी, साथ ही उसके प्रदर्शन की प्रशंसा भी की। इस मौके पर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल गोड ने कहा कि इससे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। नाम रोशन किया है, परमात्मा से यही दुआ है कि परमात्मा इस बच्चे को आगे तरक्की की ओर ले।
देहरादून सेलाकुई लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता बनने के लिए राजकीय प्राथमिक आदर्श विद्यालय सेलाकुई में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बीएलओ मौजूद रहे, जहां सभी लोगों की समस्याओं का निवारण किया गया, जिसके चलते नाम जोड़ने हटाने के साथ साथ सुधार के लिए भी आवेदन किए गए। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व इन आवेदनों पर विचार करके इन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कहा गया है। हमारे तो नए भी बन रहे, पुराने भी बन रहे, लोगों के नए हैं ना, और ज्यादा तो नए बन रहे, जो फ्रेश है ना बच्चे 18 साल से ऊपर के, तो उन लोगों के बन रहे जिनके नहीं बने थे। हाँ, जिनके नहीं बने थे ना 18 साल से ऊपर वाले बच्चे, 18 साल वाले बच्चे के जो है फ्रेश ज्यादा बन रहे। पुराने बन रहे हैं कि नए बन रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं नाम वगैरह? नए बन रहे हैं सभी। ये है तो फोन नंबर का नाम राम सुदिंदा। तो आपका ये पहचान पत्र बन गया है कि बनवाने के लिए आए हैं? बनवाने के लिए। कब से नहीं बनाया? बनाई नहीं है, इतना बार चक्कर मार मार के परेशान है। सेलाकोई में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज किशोर गौड़ ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय से प्रारंभ होकर राजा रोड पहुंची, इसके उपरांत वापस कार्यालय पर पहुंच गई, जिसके चलते तिरंगा व भगवा झंडों के साथ साथ युवा नृत्य के साथ नारेबाजी करते हुए आकर्षण का केंद्र बने रहे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन का मुख्य रूप से सहयोग रहा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हर्षदीप गुप्ता ने नारी के सम्मान के साथ साथ तिरंगे के सम्मान की भी बात कही, जिसके चलते सभी लोगों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री शेखर बंसल, नगर समर सत्ता प्रमुख रमेश कुमार, गोरक्षा प्रमुख सुरेंद्र नेगी, सेवा प्रमुख डॉक्टर नरेश व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में प्रकाश प्रजापति, अनूप, सुमित, रोहित, सोनू, मोहित नारायण, मोहन आदि का योगदान रहा। एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार के निर्देशन में गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 3 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। सीआरओ कोड जितेंद्र नागर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक राजकुमार यादव व पुलिस टीम ने अंबाला रोड पर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चला रखी थी। तभी एक संदिग्ध युवक वहां से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर पुलिस ने उसकी तलाशी ली, तो उसके हाथ में पकड़े थैले से 3 किलो डोडा पोस्ट चूरा बरामद हुआ है। पकड़े गए युवक का नाम अब्दुल्ला पुत्र महमूदी निवासी धिक्का कला थाना सरतावा है। पुलिस ने युवक को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। धन दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी सरसावा और उसकी टीम के द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, तो बौनसा पुलिया निकट राधास्वामी सत्संग व्यास के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग से लगभग 3 किलो डोडा पोस्ट पाया गया, जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया और थाना पर ला करके उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अब उसे जेल भेजा जा रहा है। एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार के निर्देशन में गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया, जिसके पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सी अनुकूल यतेंद्र नागर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि थाना अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 वर्ष से फरार चल रहे वांछित अपराधी और 15,000 के इनामी अभियुक्त जितेंद्र पुत्र गुलाब सिंह निवासी बीरपुर थाना सरसावा को एक तमंचा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी सरसावा अपनी टीम के साथ संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे, तो पिलखनी के पास बीरपुर रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसको पकड़ा गया, उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से 315 बोर का एक अदद तमंचा तथा 2 कारतूस 315 बोर मिले। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि सरसावा थाना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 97/18 धारा 302 120 भी के अंतर्गत लगभग पिछले 1 वर्ष से वो फरार चल रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर महोदय के द्वारा 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो इस तरह से सरसावा थाना प्रभारी
और उसकी टीम के द्वारा एक 15,000 के इनामी वांछित अभियुक्त जो लगभग पिछले एक साल से वांछित था उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली और उसको उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा। जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहन कोतवाली परिसर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां थाना प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान थाने को बड़ी ही सुंदरता के साथ सजाया गया था। थाने में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी चौकी प्रभारियों सहित थाना का स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और एकता अखंडता की शपथ ली। जनपद सहारनपुर के गंगोह में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गांव खंडलाना, डूबर, किशनपुर, झाड़वन, चंदपुरा में खुली सभा में कार्यक्रम आयोजित कर निशुल्क गैस कनेक्शनों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वरिष्ठ बीजेपी नेत्री व लोकसभा प्रत्याशी चौधरी मृंगका सिंह ने गरीब पात्र लोगों को घरेलू ईंधन एलपीजी गैस के कनेक्शनों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत समाज में गरीब महिलाओं सहित उन घरों में गैस कनेक्शन कराने की योजना बनाई गई है। जो लोग गैस कनेक्शन लेने में असमर्थ थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाला ईश्वर गोयल एवं एकता इंडियन गैस एजेंसी स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाज में महिलाओं और युवतियों सहित गरीब परिवारों में निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराने का सपना कारगर होता दिखाई दे रहा है। बस मोदी जी ने अनोखी योजना दी है। महिलाओं की चिंता सबसे ज्यादा देश के अंदर 70 साल में केवल मोदी जी ने की है। गरीब की चिंता मोदी जी ने की है, किसान की चिंता की है, युवाओं की चिंता की है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी चिंता मोदी जी ने ना की हो। छोटे से छोटी बात के लिए चिंतित हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। जनपद बागपत में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा परेड की सलामी ली। समारोह में जिला अधिकारी ऋषिरेंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल की संस्थाओं के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया। जनपद भर में सरकारी कार्यालयों स्कूल की संस्थाओं में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के चलते पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। मृतक का नाम दयानंद है, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के पुराने कस्बे का रहने वाला है। दयानंद बाइक पर सवार होकर बड़ौत किसी काम के लिए घर से निकला था, लेकिन जैसे ही वह दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गेस्ट हाउस के निकट पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। दयानंद जो है बड़ौत के लिए चला था कि मैं बड़ौत लो आऊं और जो है मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जो है उसमें ये खत्म हो गया। गाड़ी का हमें पता नहीं कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है, बाइक से था पैसन से, और जिसने मारी है उसका हमें पता नहीं कौन सी गाड़ी थी। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद स्थित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जहीर मलिक ने ध्वजारोहण किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं स्कूल के प्रधान आचार्य चंद्रसेन चौधरी ने छात्र छात्राओं को इस राष्ट्रीय पर्व के बारे में अनेकों जानकारियां दी। गणतंत्र दिवस हमारा बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े त्याग से बना हमारा गणतंत्र दिवस। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं,
सन 1857 में सबसे पहली क्रांति हुई थी। उसके 90 साल के अथक प्रयास के बाद इस देश को स्वतंत्रता मिली। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा गणतंत्र प्रजातांत्रिक देश बना और तब से हमारा एक कानून है, हिंदुस्तान का एक कानून है, हिंदुस्तान का एक संविधान है। एक संविधान लागू हो गया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचा गया था, जिसमें बहुत लोगों की कमी थी लेकिन वो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में संविधान बनाया गया था। और ये हमारा संविधान लचीला भी है, कठोर भी है और तमाम दुनिया के जो संविधान हैं उन संविधानों से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन अच्छी अच्छी बातों को निकाल के इस संविधान में फिट की गई थी। इसलिए इस संविधान को बनाने में, गणतंत्र को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और बहुत लोगों की कमेटी थी जिन्होंने देश विदेश में घूम घूम के सबके संविधानों का अध्ययन किया। तो हमारा संविधान अधिकतर तो प्रभावित है इंग्लैंड के संविधान से, लेकिन अमेरिका से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, कुछ स्विट्जरलैंड से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, कुछ अच्छी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से भी ली गई हैं। तो इन सब सारे विश्व की अच्छी अच्छी जो संविधान है उनसे सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें लेके अपने संविधान में समाहित की थी श्री भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा। जनपद शामली के गांव बलवा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें ग्राम प्रधान कुलवीर चौहान व स्कूल प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण कर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में शुक्रवार की रात्रि कोतवाली क्षेत्र के गांव अखलाकपुरा निवासी शराफत पुत्र चांद मोहम्मद की दीवार तोड़कर चोरों ने 3 भैंस चोरी कर ली। चोरी का पता लगते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पीड़ितों के मुताबिक पुलिस को रात्रि में ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन हल्का इंचार्ज सुबह तक भी खाना पूर्ति कर लौट गए। ज्ञात रहे कि इसी गांव में पहले भी पशु चोरी की बड़ी घटना सामने आई थी, जिसका पुलिस अभी तक भी खुलासा नहीं कर पाई है। रात भैंस बांध कर सोए हम, तो 12 बजे के बाद तीनों भैंस खोल कर दी। जब हम 4 बजे उठे, जब भैंस को छसन्नी करने जा रहे थे, 3 देती द्वारे फाड़ी हुआ। यही आज से 10-12 दिन पहले भी एक चोरी हुई थी गांव में, उसमें 2 कटड़े थे उनके खुले थे और रात करीब 1 बजे के आसपास रात फिर चोरी हुई, उसमें 3 जो कटिए हैं वे चोरी हुई। शराफत पुत्र चांद खान लगभग कितना का नुकसान है? लगभग ऐसा जी 90,000 रुपये का तो यह 33,000 रुपये इनके 33,000 रुपये कटी थी और जी करीब 60,000 रुपये का उनको कटड़ों का नुकसान है। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को भी दी थी। इंस्पेक्टर साहब तो रात आए थे लेकिन दरोगा जी सुबह आए। अच्छा, पहले जो चोरी हुई थी पुलिस कोई खुलासा कर पाई कि नहीं? ना, कोई खुलासा नहीं। अगर चोरी का खुलासा नहीं हो पाता तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे का यह कदम है जी, हमने जो गांव सारा का सारा मिलकर आज सांझ को जो है पंचायत कर रहे हैं हम गांव के करीब 6:30-6 बजे के आसपास, उसमें अपनी रक्षा खुद करेंगे, अपना खा के जो पूरा गांव मिलके जगह जगह जो है पहरे की इसकी व्यवस्था बना। अच्छा, पुलिस पर विश्वास नहीं रहा? पुलिस पर तो इस कंडीशन में विश्वास नहीं, जब कोई चोरी खुली होंगी।
जांतर तहसील में उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन अरविंद कुमार शर्मा ने किया। मतदाता जागरूक कार्यक्रम में एसडीएम ने मतदान के प्रति मतदाता को जानकारी देते हुए जागरूक किया तथा मतदान की शपथ भी दिलाई। एसडीएम विजय कुमार ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से शत प्रतिशत मतदान कर सके। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के लिए कस्बे के विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने कस्बे के मुख्य मार्ग से मतदाता जागरूकता रैली निकाली। डीवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य समुद्र सेन व गोमती कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ज्योति बाला के नेतृत्व में हजारों छात्र छात्राओं ने हाथों में मतदान करने का संदेश देने वाली तख्तियां व बैनर लेकर सड़कों पर रैली निकालकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। मतदाताओं को जागरूक करने निकले छात्र छात्राओं ने नारे लगाते हुए रैली निकाली। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक पूनम के नेतृत्व में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 3 लाख रुपए के कीमती चोरी के 22 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त अमन मिश्रा पुत्र रमेश चंद्र मिश्रा निवासी मोड़ा बुजुर्ग थाना नीम गाँव जनपद खीरी, अनूप मिश्रा पुत्र रामचंद्र मिश्रा निवासी मोड़ा बुजुर्ग थाना नीम गाँव जनपद खीरी और रामनिवास पांडे पुत्र शिवराम पांडे निवासी खमरिया थाना मितोली जनपद लखीमपुर खीरी है। वहीं इनका एक साथी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। यह 10 दिसंबर में कोतवाली सदर में रोडवेज के पास एक मोबाइल की शॉप से मोबाइल चोरी हुए थे और कुछ एसेसरीज चोरी हुई थी। उसी के लिए अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई थी और इसमें बड़ी सफलता कल मिली है, जब थाना नीम गांव में ये 3 अभियुक्त अमन मिश्रा, अनूप मिश्रा और रामनिवास पांडे ये लगभग 3 लाख से ज़्यादा के सामान के साथ, जिसमें मोबाइल हैं, 22 मोबाइल हैं, एक सैमसंग गैलेक्सी का टैब है और अन्य एसेसरीज हैं, पेन ड्राइव और जो यहाँ से चोरी हुए थे उसके साथ गिरफ्तार किए गए हैं। और इनका जो मुख्य सरगना है सतीश रस्तोगी है, ये इस सामान पे जो डिब्बा है उसी पर 50% में रेट लिख कर इसको आगे बेच देते थे। तो फिलहाल सतीश रस्तोगी की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य, इन्होंने क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है, वह सब इसे पूछताछ के बाद अनावरण हो पाएगा। फिलहाल 3 लाख से ज़्यादा का सामान इनके पास रिकवर किया गया है। जितने अनावरण किया उसे कुछ आपकी तरफ से प्रोत्साहन? अभी 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 उनको प्रोत्साहित किया गया है और मुख्य अभियुक्त को, और जब गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो घटना का पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें 8 से 10 लाख के लगभग सामान गया था, तो और जब पूरा काम टीम द्वारा कर लिया जाएगा तो उन्हें और पुरस्कृत किया जाएगा। देवबंद तहसील के कई क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में आम जनता को मतदान करने के फायदे बताए गए, साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना आवश्यक है ताकि वो अपने पसंद की सरकार चुने। अपने मत का प्रयोग करने से यह समाज भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। इस्लामिया डिग्री कॉलेज में भी मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस्लामिया डिग्री कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं को उप जिलाधिकारी देवबंद ने मतदान के प्रति जागरूक करते हुए शपथ दिलाई है। कॉलेज के छात्राओं ने भी कार्यक्रम को सराहनीय बताते हुए बताया कि हमें अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए, यह हमारा मौलिक अधिकार है। हमें अपना वोट सही जगह देना चाहिए और सही सरकार को चुनना चाहिए, जिससे देश का विकास हो और हमारा विकास हो। उप जिलाधिकारी रितु पुनिया ने कहा कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देवबंद विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर हमारे बीएलओ पटवारी सभी मतदाता दिवस मना रहे हैं और हमने भी नगर व कस्बे के स्कूल कॉलेजों और संस्थाओं में मतदाता दिवस मनाया है, जिसमें मतदाताओं को शपथ दिलाकर मतदान के लिए जागरूक किया गया है। नागरिक है और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हम अपने हो तो ऐसी सरकार न लाए जो इस देश को बच कर सके। हमें अच्छे से अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए ताकि हमारा भी और हमारी आने वाली जनरेशन का भी भला हो सके। आज मतदाता दिवस मनाया हमने अपने स्कूल में, और इसी मतलब जिसमें जागरूक करना सबको कि मतदान करना है हमें अपना, और इसके लिए मैं SDM आई थी हमारी सहारनपुर की, उन्होंने हमें बताया मतदान करना ही है, मतलब अपना सही वोट सही जगह देना जिससे हम अपना पसंदीदा नेता चुन सकें, अपनी सरकार चुन सकें, और किसी गलत दबाव में ना करके अपनी वोट दे ख़राब करना, मतलब हमारा मतदान है हम खुद करेंगे अपने हिसाब से।
और अपने पसंद की सरकार लाएंगे जिससे हमारे देश का विकास हो, हमारा विकास हो। इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद में SDM महोदय द्वारा मतदान जागरूकता अभियान का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें SDM महोदय ने बच्चों को एक शपथ दिलाई है और मतदान के बारे में जागरूक किया है। मतदान हमारा अधिकार है और हमने भी सब बच्चों को अपने कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें मतदान के बारे में जागरूक किया और उनसे शपथ ली है कि वो मतदान ज़रूर करेंगे। देखिए, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारे जितने भी बूथ हैं पूरी देवबंद विधानसभा के, हर बूथ पे हमारे लेखपाल BLO सभी लोग इस मतदाता दिवस को मना रहे हैं और हमने भी यहाँ पे शहर में, कस्बे में, कई जगह, कई कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और उसी में से एक इस्लामिया डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ जिसमें कि मैंने स्वयं प्रतिभाग किया। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव मझोल जबरदस्तपुर में जमीन विवाद में दिमागी रूप से कमजोर भाई ने विवाहिता बहन की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। गांव मझोल जबरदस्तपुर में स्वर्गीय वेदपाल के 3 पुत्रों में रेलवे में अधिग्रहित हुई जमीन के मुआवजे की रकम को लेकर विवाद चला आ रहा था। बताया जाता है कि वेदपाल सबसे बड़े पुत्र और पुत्री का ही विवाह किया था और अपनी मृत्यु से पूर्व सभी जमीन अपने पोते के नाम कर दी थी, जिसके विवाद में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। रेलवे से अधिग्रहित हुई भूमि का मुआवजा भी अभी DM कार्यालय में जमा था। शुक्रवार को जमीन विवाद सुलझाने को बहन सुनीता ने गांव में तीनों भाइयों को एक साथ बैठाया था। इसी दौरान दिमागी रूप से कमजोर बताए जा रहे छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन सुनीता पर ईंटों से हमला कर दिया, जिससे सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने अरविंद को हिरासत में ले लिया, जबकि मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, इसलिए बहाना बना रखा कि एक से ना अपनी माँ बाप भी मार दी। बहन को इसलिए बहन को झुकते बना रखा तो ईट मारी तो मैं मुँह दिखाने लगी छोटे अभी। मैं तो सच बोल रहा हूँ, माँ गुरु महाराज जी का बाबा तुझे मैं मुँह दिखाने लगी अन्ना जी। कोई दारू नहीं पीता, कोई चोरी नहीं करता, जहरी नहीं बीड़ी पीओ। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में शनिवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्रों का वितरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिले के लगभग 25,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई है, जिसमें SC और जनरल जाति के 15,000 और OBC के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम आयोजित है और इसमें मुझे आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लाभान्वित छात्र हैं वो जनपद मुजफ्फरनगर में अंदाजन 25-30,000 के आसपास हैं। SC जनरल कोटे के 15,000 छात्र बालक बालिकाओं को ये छात्रवृत्ति दी गई है और लगभग OPC जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा अति पिछड़ा, उनके भी 10,000 बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी गई है। ये सरकार की ओर से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की ओर से बड़ा यशस्वी कदम है, अच्छा कदम है, उनकी सहायता के लिए है कि उनकी एजुकेशन पूरी हो सके और वो देश के एक स्वस्थ नागरिक बन सके। सर, कितने के लिए छात्रवृत्ति दी गई है बच्चों? कौन कौन सी क्लास के बच्चे थे ये बच्चे? 9 कक्षा 9 के थे, कक्षा 10 के थे, उन बालक बालिकाओं को दिए। और अभी अभी जो ये बैच है जो इस समय सामने है वो ये DLED के बच्चे हैं, वो हमारे सामने हैं इस समय, उन्हें ये दिए गए।
जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 36 लद्दावाला के लोगों का इन दिनों जीना दुश्वार हो चुका है, जहां घरों के बाहर कई कई फुट पानी भर चुका है। वहीं लोगों ने शनिवार को इस समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां लोगों ने रोजाना होने वाली समस्याओं के संबंध में बताया और पालिका प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। 72 घंटों से यहाँ लद्दावाले में पूरा पानी भरा हुआ है, जब से पूरे अड्डे का नाला बंद हुआ है, जब से यहाँ लोगों को बहुत परेशानी हो गई है। पानी भर जाता है, लोग बाग कम से कम अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं छोड़ पाते। आज 26 जनवरी पे भी कम बच्चे पूरे मोहल्ले के स्कूल गली में रहे हैं, स्कूल में कोई जा नहीं पाया। घरों में किचनों में पानी भर रहा है, एक टाइम कभी बच्चों को सुबह का नाश्ता नहीं मिला। ये समस्या कैसी है, मेंबर कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है यहाँ का काम, और किसके हाथ में है? पहले नंबर तो चेयरमैन साहब का है, दूसरा मेंबर साहब का है, और किसका है? किसी का भी नहीं है। यहाँ जब से अड्डे का नाला बंद हुआ, जब से यही पानी भर रहा, ना कोई चेयरमैन करता इस काम को, ना मेंबर कर रहा इस काम को। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे, पानी दुनिया भर का यही आ रहा है। ना बच्चे स्कूल जा रहे, ना महल्ले वाले बाहर निकल रहे। आज 26 जनवरी थी, जब भी बच्चे अंदर ही रहे तो क्या कर ले। उस नाले के बारे में जरूर कहें, फुटेसर नाला बिल्कुल बंद है, इसका पानी इधर छोड़ो। उसका सड़क बनवा दी मेंबर ने, चेयरमैन ने। हाँ, चेयरमैन ने मेंबर ने सड़क बनवा दी, उसका पानी सारा इधर ही आ रहा। ये नाला कहीं और कटना चाहिए, ये नाला और कहीं कटना चाहिए, बकरा मार्केट वाले नाले में कटना, बकरा मार्केट वाले नाले में कटना, वो गहरा नाला है, गहरा नाला है वो। आपने कभी शिकायत करी इसकी? शिकायत तो भाई मेंबर से भी, चेयरमैन से भी, सबसे शिकायत कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है।